आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां खरगोन के प्रथम और भारत के द्वितीय अंगदान दानदाता को दी गई श्रद्धांजलि। खरगोन में अंगदान व अंगदाता पेड़ा स्रोत रामेश्वर खेड़े की तृतीय पुण्यतिथि पर सभी अंगदानदाताओं को श्रद्धांजलि दी गई। निरंतर बड़ाई समाज सेवा संगठन के तत्वाधान में रविवार शाम 7:30 बजे हुए इस कार्यक्रम में श्री कृष्णता की तिराहे पर सर्व समाज जन सम्मिलित हुए और देश के द्वितीय व मध्य प्रदेश के प्रथम अंगदान दानदाता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं कैंडल जलाकर 2 मिनट मौन रखते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। संगठन के जिला अध्यक्ष विजय कोचले ने सताया कि रामेश्वर खेड़े ने दोनों किडनी, हार्ट और लीवर दान करके जहाँ 4 लोगों की जीवन दान देते हुए उनके परिवार को खुशियाँ दी, वहीं 1 व्यक्ति को स्किन दान कर सौंदर्य दान करने में जिले सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है। लेकिन शासन द्वारा खेड़े परिवार को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनकी पत्नी और परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ सम्मान नहीं मिल रहा है, जिससे वे काफ़ी परेशान हैं। साथ ही जिलाध्यक्ष विजय कोचले ने समाचार के माध्यम से मांग की है कि देश प्रदेश के सभी अंगदानदाताओं को परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सहित उचित रोजगार दिलाया जाए एवं मूलभूत सुविधाएँ मुहैया कराने की बात भी कही। इस मौके पर उनकी पुत्री सहित पत्नी श्रीमती किरण खेड़े, भाई सुरेश सहित सैकड़ों की तादाद में समाज जन एवं अन्य समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए उनके परिवारजनों को मंगल भविष्य की कामना की। वही जानकारी देते विजय कोचले। एमपी न्यूज कास्ट से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। रामेश्वर खेड़े की तृतीय पुण्य स्मरण पर श्रद्धांजलि आयोजन कार्यक्रम रखा था, जिनको हमने सभी जो अंगदान दाता थे रामेश्वर खेड़े के बाद में जिन लोगों ने अंगदान करे हैं, हमने उन सभी अंगदान दाताओं को श्रद्धांजलि दी है और यहाँ कैंडल मार्च से कैंडल जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की है। इसमें सभी समाजजन उपस्थित हुए हैं और इस नेक कार्य की सभी ने सराहना की है। क्या नाम लिखते हैं? विजय कोचले, जिला अध्यक्ष निरंतर भलाई समाज सेवा संगठन। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर हमारे इस जिले के भगवानपुरा तहसील के रामेश्वर जी खेड़े, जिन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया इस जिले का, इस प्रदेश का और इस समाज को नाम रोशन किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंगदान देकर 4 लोगों को जीवन दान दिया और स्किन दान करके 1 व्यक्ति को सौंदर्य दान दिया है। इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कोई नहीं कर पाया था, वो हमारी कौम के साथी ने किया। वो केवल अंगदाता ही नहीं, मैं उनको आज इस सभा के अंदर अंगदाता और अंगदान प्रेरणा स्रोत के नाम से हमेशा संबोधित करना चाहूँगा कि वो एक मार्गदर्शक रहा है। उनके अंगदान करने के बाद में हमारे प्रदेश के लोगों में एक प्रेरणा जागी कि लोगों ने और भी अंगदान करके बहुत सारे लोगों को जीवन दान दिया है। मैं उनको अपनी ओर से, निरंतर भलाई समाज सेवा संगठन की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ, तथागत से कामना करता हूँ कि उनको अपनी शरण दे और उनके परिवार को, उनके परिवार पे अपना आशीष का हाथ रखे। आप सब लोगों से गुजारिश है और मैं उन सभी लोगों को भी इस सभा के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे प्रेरणा स्रोत अंगदाता भाई रामेश्वर खेड़े के बाद में जिन लोगों ने अंगदान दिए हैं और लोगों को जीवन दान दिया है। मैं उन सभी लोगों को इस सभा के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और मैं हमारे परम आदरणीय दादा परशुराम जी डंडीर से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। आज खरगोन जिला बहुत गौरवान्वित है, गौरवान्वित इसलिए है कि
हमारे ही गांव के छोटे गांव के भाई रामेश्वर भोले ने जो गरीब हैं जिनको किडनी बदलना है तो उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे सारे लोगों को ये